डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स को पढ़ना। जैसा कि आप जानते हैं, 10th क्लास में जो मैथमेटिक्स में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, एक नए चैप्टर को शुरू किए हैं जिसका नाम है सांख्यिकी। ये आपको एनसीईआरटी का 14 नंबर चैप्टर मिलेगा। तो 14 नंबर चैप्टर में हम लोगों ने सांख्यिकी पढ़ना शुरू किया है। सांख्यिकी में हम लोगों ने पिछले क्लास में माध्य निकालना सीख चुके हैं। हालांकि आपको हम ये भी समझाए हुए थे कि इस चैप्टर में सांख्यिकी में तीन चीज़ों को निकालना सीखेंगे हम लोग, माध्य, माध्यक और बहुलक। ये इस चैप्टर में तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट्स हैं। आज हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि आखिर माध्य निकालने की कितनी विधियां हैं, माध्य ज्ञात करने की विधियां। तो आपको पता होना चाहिए कि माध्य ज्ञात करने के लिए कुल मिलाकर तीन विधि है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो कुल मिलाकर एक तो सिंपल वे में हम लोग माध्य सीखे थे, और हम लोग ये भी सीखे थे कि माध्य का फार्मूला होता है समेशन आई का वैल्यू 1 से लेकर एक्स आई एफ आई एन तक बट्टा सिग्मा आई का वैल्यू 1 से लेकर एन तक एफ आई, और इसको हम लोग एक्स बार से सूचित करते हैं। तो वो तो ठीक है, वो हम लोग माध्य जनरल वे में निकालना सीखे हैं, लेकिन अब हम लोगों को क्लास 10th का जो सिलेबस है, जो हम लोगों को जानना चाहिए, वो चीज़ें हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हाँ, तो याद रख लीजिए कि माध्य ज्ञात करने की विधियां कितनी है। तो माध्य ज्ञात करने की तीन विधियां हैं। जैसे कि आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण में सॉल्व करने के लिए, हल निकालने के लिए कितने भी विधि थे, वज्रगुणन विधि, प्रतिस्थापन विधि, तुलनात्मक विधि, तो ग्राफीय विधि। तो इन सारी ग्राफ जो मेथड होते थे वो दो चर वाले रैखिक समीकरण में होते थे, सबका यूज करके आप सेम आंसर निकालते थे। दोस्त, ऐसा ही इसमें भी है। माध्य ज्ञात करने की विधियां तीन विधि है। पहली विधि का नाम है प्रत्यक्ष विधि। पहली विधि का नाम क्या है? प्रत्यक्ष विधि। दूसरी विधि का नाम है काल्पित, काल्पित माध्य विधि, काल्पित माध्य विधि। और तीसरा का नाम है पग विचलन विधि। नाम याद रखिएगा, पग विचलन विधि। अगर दोस्त कोई भी सवाल रहे और सिर्फ बोलेगा कि माध्य ज्ञात कीजिए, तो हम अपने अनुसार जो भी तीनों विधि हम लोग अभी सीखने वाले हैं, तीनों विधि को एक एक विधि करके सीखेंगे। यानी कि ये तीनों विधि को हम लोग सीखेंगे कि माध्य प्रत्यक्ष विधि से कैसे निकालते हैं, काल्पित माध्य से कैसे निकालते हैं, पग विचलन से कैसे निकालते हैं। तो कुल मिलाकर माध्य ज्ञात करने की कितनी विधियां हैं? तीन विधि है, प्रत्यक्ष विधि, काल्पित माध्य विधि, पग विचलन विधि। तो अगर सिर्फ सवाल में ये बोलेगा कि माध्य निकालिए, तो हम तीनों में से जो अच्छा लगेगा विधि हम लोग सीखेंगे। तो पता चलेगा ना, किसी को प्रत्यक्ष विधि अच्छा लगेगा, किसी को काल्पित माध्य अच्छा लगेगा, किसी को पग विचलन अच्छा लगेगा। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि किसी क्वेश्चन में अगर आपको सिर्फ माध्य निकालने के लिए कह रहा होगा, तो आप तीनों में से कोई भी विधि लगा सकते हैं। अच्छा, अब तीनों में से कोई भी विधि लगा सकते हैं कब? जब सिर्फ और सिर्फ बोलेगा कि माध्य निकालो। अगर क्वेश्चन में ये बोलता है कि आप माध्य जो है काल्पित माध्य विधि से निकालिए, तब आप लॉक हो चुके हैं। आपको आ रहा हो चाहे नहीं आ रहा हो, आपको काल्पित माध्य विधि से ही निकालना होगा। तो कुल मिलाकर आपको सीखना चाहिए कि माध्य ज्ञात करने की कितनी विधियां हैं? तीन विधि है। अब हम लोग सीखेंगे आज प्रत्यक्ष विधि को। प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करना आज हम लोग सीखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, क्योंकि तीनों विधि हम लोगों को समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब ये तीनों विधि का इस्तेमाल कब करते हैं? जब वर्ग अंतराल में कुछ दिया रहेगा। जैसे कि अब हम क्वेश्चन लेते हैं समझाने के लिए, एक क्वेश्चन लेते हैं, तभी आपको प्रत्यक्ष विधि समझ में आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन लिए, क्वेश्चन में क्या दिया है? वर्ग अंतराल दिया है।
अब हम आपको ये भी बतलाएंगे कि आखिर वर्ग अंतराल क्या होता है। वर्ग अंतराल दिया रहेगा, ठीक है, और इधर आपको विद्यार्थी की संख्या दिया रहेगा, विद्यार्थी की संख्या। और आप कॉपी में वैसा ही नोट करेंगे जैसे कि हम बता रहे हैं, क्वेश्चन को लेकर आप नोट करेंगे, क्योंकि इसमें क्या है ना, फार्मूला से आप नहीं समझ सकते हैं जब तक कि आपको क्वेश्चन के को करके नहीं समझाया जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग कौन से विधि समझ रहे हैं, प्रत्यक्ष विधि। इस विधि को समझने के लिए एक क्वेश्चन लिया गया है जिसमें एक तरफ लिखा गया वर्ग अंतराल और दूसरी तरफ लिखा गया विद्यार्थी की संख्या। अब वर्ग अंतराल क्या होता है, जरा इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। वर्ग अंतराल का मतलब क्या होता है कि ये ऐसे करके लिखा रहेगा 10 से 25। इसका मतलब है कि अगर किसी प्राप्तांक 10 से लेकर 25 तक के बीच में आया है, ऐसे विद्यार्थियों की संख्या 2 है। यानी कि वर्ग अंतराल के बीच में एक डैश होता है, यानी कि जिस दो संख्या के बीच में अगर डैश मिलेगा तब हम इस पूरा को ही कहेंगे वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल इसमें कहां से कहां तक है, 10 से लेकर 25 तक। ये वाला डैश जो बीच में होता है इसको कहते हैं से पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं इसको, से। 10 डैश 25 का मतलब हुआ कि 10 से लेकर 25 तक के संख्या को इसमें रखा गया, 11 12 13 20 24 तक के इसमें रखा गया, और इसमें विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 2। दूसरा वर्ग अंतराल है 25 से 40, ठीक है। दूसरा वर्ग अंतराल कितना है, 25 से 40, इसमें विद्यार्थियों की संख्या 3 है, मतलब कुछ भी दिया रहेगा। अगला वर्ग अंतराल दिया रहेगा 40 से 50, और 40 से 50 सॉरी 40 से 55 लिख लीजिए, कुछ भी क्वेश्चन में कुछ भी दिया रह सकता है, 50 भी दिया रह सकता है, 55 भी दिया रह सकता है, लेकिन ऐसा ही वर्ग अंतराल जिसमें बराबर का अंतर हो। देखिए 10 और 25 में कितना का अंतर है, 15 का अंतर है, 25 में भी 15 का अंतर है, तब ना 40 हुआ। तो इसीलिए ज्यादा सुटेबल होता है कि सब में अंतर बराबर रहे, 40 से 55 जाने में 15 का गैप है तो सब में उतना ही का गैप रहना चाहिए। इसमें विद्यार्थियों का संख्या मान लीजिए 7 है। फिर आगे बढ़ते हैं, 55 से लेकर वर्ग अंतराल 70, इसमें मान लीजिए कि विद्यार्थियों की संख्या 6 है। और भी आगे बढ़ा देते हैं एक दो डब्बा, देख लीजिए आप थोड़ा सा अच्छा से बनाइएगा क्योंकि मेरा घट गया इधर पेज। इसमें लिख देते हैं 70 से कितना होगा 50, तब ना 15 का गैप होगा। इसमें आप लिख लीजिए कि विद्यार्थियों की संख्या 6 है, और 85 से लेकर 100 तक के 6 है, ठीक है। तो कुल मिलाकर अभी हम लोग प्रत्यक्ष विधि को सीख रहे हैं। प्रत्यक्ष विधि को सीखने के लिए ही एक अपने तरफ से एक क्वेश्चन लिया, एक में लिखा है वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल किसको कहते हैं, जो बीच में डैश है, देखिए 10 से 25 इसको से कहते हैं, से पढ़ते हैं, 25 डैश 40 नहीं पढ़ेंगे, 25 से 40 पढ़ेंगे। और इधर विद्यार्थियों की संख्या है, और विद्यार्थियों की संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं, विद्यार्थियों की संख्या को ही कहते हैं हम लोग बारंबारता, ठीक है। तो कुल मिलाकर अब ये क्वेश्चन लिख दिया है, क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब सवाल है कि माध्य ज्ञात कैसे करेंगे, और कौन सी विधि से, प्रत्यक्ष विधि से। तो इसके लिए आपको एक टेबल बनाना होगा, और टेबल बनाने से पहले एक फार्मूला याद रख लीजिए, एक होता है फार्मूला वर्ग चिन्ह का। अब वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, तो वर्ग चिन्ह का मतलब हुआ ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा में 2। याद रख लीजिए वर्ग चिन्ह का क्या फार्मूला होता है, ऊपरी सीमा बटा में निम्न सीमा बटा में 2। अब ये ऊपरी सीमा निम्न सीमा का मतलब क्या है दोस्तों, वर्ग चिन्ह जब हम लोग निकालते हैं तो यही फार्मूला अपनाते हैं। और ये फार्मूला कब लागू होगा, जब आपको सवाल में वर्ग अंतराल दिया रहेगा। ध्यान से सुन लीजिए, आप वर्ग चिन्ह कब निकालेंगे, वर्ग चिन्ह कब निकालेंगे, जब आपको सवाल में वर्ग अंतराल दिया रहेगा। तो अक्सर हम लोगों तो
हम लोगों का क्वेश्चंस में ध्यान दीजिए, अक्सर हम लोगों के क्वेश्चंस में ये वाला, अक्सर हम लोगों के क्वेश्चंस में वर्ग अंतराल दिया रहेगा, ठीक है। तो जब वर्ग अंतराल दिया रहेगा तब हम लोग एक एक फार्मूला से वर्ग चिन्ह निकालेंगे, ठीक है। और वर्ग चिन्ह का फार्मूला कौन सी है, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा में दू। अब जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हम बता रहे हैं, अगर आपको वर्ग अंतराल कह रहे हैं, देखिए वर्ग अंतराल आपको 50 से 60 दिया है, ठीक है। तो जब वर्ग अंतराल 50 से 60 है तो यहाँ पे जो 50 हुआ इसको कहेंगे निम्न सीमा, इसको कौन सी कहेंगे, निम्न सीमा, और इसको कहेंगे ऊपरी सीमा। ऊपरी सीमा का मतलब बड़ा वाला, जैसे ऊपर का मतलब हुआ बड़ा और निम्न का मतलब नीचे छोटा वाला। तो याद रखिए वर्ग अंतराल दिया रहेगा तबे ना निम्न सीमा और ऊपरी सीमा पता रहेगा। तो जब निम्न सीमा और ऊपरी सीमा हमको पता है तब हम क्या निकालेंगे, वर्ग चिन्ह, ठीक है। तो कुल मिलाकर यहां वर्ग अंतराल दिया रहेगा तब हम लोग प्रत्यक्ष विधि में वर्ग चिन्ह निकालेंगे, ये बात आप एकदम समझ लीजिए। और यहां हो जाएगा वर्ग चिन्ह का क्या वैल्यू, वर्ग चिन्ह बराबर ऊपरी सीमा, तो ऊपरी सीमा 60 प्लस निम्न सीमा 50 और बटे में 2, तो यहां हो जाएगा 110 बटा 2, यानी कि वर्ग चिन्ह हो जाएगा 55। तो दोस्त ये वाला एक फार्मूला याद रखिएगा, अगर सवाल में आएगा कि वर्ग चिन्ह का क्या फार्मूला है, तो ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। और ऊपरी सीमा और निम्न सीमा किसको कह रहे हैं, तो ये वर्ग अंतराल में जो डैश के पहले और डैश के बाद दिया रहता है तो उसमें बड़ा वाला वैल्यू को ऊपरी सीमा कहते हैं और छोटा वाला वैल्यू को निम्न सीमा कहते हैं। चलिए अब हम इसका हल करके दिखाते हैं दोस्त। अब इस क्वेश्चन को प्रत्यक्ष विधि से हल करने से पहले आपको सवाल में जो जो दिया है उसका हम लोग वैल्यू बैठा लेंगे। तो वर्ग अंतराल दिया तो एगो हम कॉलम बनाएंगे, एगो डब्बा वर्ग अंतराल का बनाएंगे। फिर यहाँ विद्यार्थियों की संख्या दिया है, इसको हम लोग एक्चुअली क्या कहेंगे, बारंबारता कहेंगे। तो यहाँ पे तो हम लोगों को बारंबारता दिया ही हुआ है क्वेश्चन में, और बारंबारता को हम लोग F1 कहते हैं, सॉरी FI कहते हैं, FI। और एक और डब्बा बनाना होगा जिसको कहते हैं वर्ग चिन्ह, क्या कहते हैं इसको, वर्ग चिन्ह। और दोस्त वर्ग चिन्ह को हम लोग सूचित करते हैं XI से, ध्यान दीजिएगा यहां पे प्रत्यक्ष विधि में यही इंपोर्टेंट चीज है। आपको क्या बोलेगा, ये क्वेश्चन दे दिया ये वाला, वर्ग अंतराल दिया रहेगा और एक तरफ विद्यार्थियों की संख्या बोलिए चाहे बारंबारता दिया रहेगा, और बोलेगा कि माध्य निकालो कौन सा विधि से, प्रत्यक्ष विधि से। तो आप समझिएगा कि प्रत्यक्ष विधि में वर्ग चिन्ह निकाला जाता है और वर्ग चिन्ह को ही XI कहते हैं। अब देखिए जो जो सवाल पहले लिखा है उसको हम लोग भर लेते हैं। तो वर्ग अंतराल कहाँ से शुरू हुआ है, 10 से लेकर 25 तक, तो यहाँ 10 से 25 कीजिए, फिर कितना है 25 से लेकर 40 कीजिए, फिर 40 से लेकर 55 कीजिए, फिर 55 से लेकर 70 कीजिए, ऐसा दिया है, 70 से लेकर 85 कीजिए और 85 से लेकर 100 कीजिए, ये हम लोगों को तो दिया है। और बारंबारता में भी देखिए तो 10 से 25 के बारंबारता कितनी है, 2। ऐसे ही क्वेश्चन देख लीजिए तो यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, ठीक है, और यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है। इसका मतलब है कि 10 से 25 के बीच में बारंबारता 3 है, 25 से 40 के बीच में 3 है, और 40 से 55 के बीच 7 है, 55 से 70 6, 70 से 85 6, 85 से 100 भी 6 भी है। अब ये तो सवाल में दिया है, अब आपको अपने से दिमाग लगाना है कि कैसे समझेंगे कि बारंबारता दिया है। अब तो सवाल ये खड़ा होता है क्योंकि सर यहाँ तो आप लिखे हैं विद्यार्थियों की संख्या, तो भाई हम ये पिछले क्लास में बताए हैं कि बारंबारता का मतलब होता है रिपीट करना, बार बार आना। तो 10 से 25 के बीच में कितने विद्यार्थी आए, 2 विद्यार्थी, तो इसको हम लोग बारंबारता कहेंगे। तो इसीलिए FI से सूचित करते हैं, बारंबारता को किससे सूचित करते हैं, FI से।
और इस प्रत्यक्ष विधि में वर्ग चिन्ह निकाला जाता है। वर्ग चिन्ह को ही हम लोग यहाँ पे एक्स आई से सूचित करते हैं। और अभी हम लोग क्या सीखे भाई कि वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, अभी हम लोग सीखे ना कि वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं। तो इसका पहला वाला का ना वर्ग चिन्ह निकालेंगे, तो देखिए हम आपको यहाँ रफ कर रहे हैं, ROUGH रफ, यहाँ रफ है। अब पहला इसका वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे, तो अभी हम पढ़ें कि जब वर्ग अंतराल दिया रहेगा तो ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा में दो, तो यहाँ ऊपरी सीमा 25 है, 25 लीजिए, निम्न सीमा 10 है और दोनों के जोड़ के दो से भाग कीजिए, तो ये हो जाएगा 35/2 यानी कि 17.5, तो यहाँ पे भर देंगे 17.5, ठीक है। अब 25 से 40 के लिए वर्ग चिन्ह कौन सा होगा, तो यहाँ ऊपरी सीमा 40 और निम्न सीमा 25, तो 40 और 25 को जोड़ना है, ऊपरी सीमा 40 निम्न सीमा 25 और बटा में 2 यानी कि 65/2 यानी कि इसका हो जाएगा 32.5, ठीक है, 32.5, ठीक है। अच्छा 40 और 55 का वर्ग चिन्ह कोची होगा, तो 40 से लेकर 55 तो कोची है हम लोगों का, ये तो है हम लोगों का कुल मिलाकर वर्ग अंतराल, 40 से 55 हम लोगों का तो वर्ग अंतराल है। तो आप देख पा रहे होंगे कि वर्ग चिन्ह हम लोग कैसे निकाल रहे हैं, तो 40 से 55 का वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे, तो वर्ग चिन्ह का मतलब ही होता है ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा दो, तो 40 और 55 में ऊपरी सीमा 55 निम्न सीमा 40, तो 55 और 40 को जोड़ दीजिए तो 95 और 95 का आधा कीजिएगा दो से भागा तो 47.5। ऐसे ही आप देख पाएंगे तो 55 और 70 का वर्ग चिन्ह क्या होगा, तो इसका होगा हम लोग 62.5, ठीक है। और 70 और 85 का कितना होगा वर्ग चिन्ह, तो इसका वर्ग चिन्ह हो जाएगा 77.5। 85 और 100 का वर्ग चिन्ह कितना होगा, तो 92.5, ठीक है। अब देखिए जगह पे हम लोग धीरे धीरे आना शुरू कर गए। पहले क्या था, पिछले क्लास में हम लोग क्या देखें कि एफ आई और एक्स आई का वैल्यू पहला ही से डबल था, ठीक है। हम लोग यहाँ पे खाली गुणनफल कर दिए, किसका किसका, एक्स आई और एफ आई निकाल लिए, दोनों को गुना करके निकाले थे। यहाँ पे क्वेश्चन में मात्र इतना ही चीज दिया था, यानी कि अगर आपको कहीं सवाल में वर्ग अंतराल दिया रहेगा तो आपको एक्स आई का मान निकालना है जिसको वर्ग चिन्ह कहते हैं, तो वर्ग चिन्ह निकाल लीजिए, वही हो जाएगा एक्स आई का मान। और बारंबारता दिया हुआ है और हमको माध्य पूछ रहा है सवाल में कि माध्य ज्ञात कीजिए, तो माध्य ज्ञात करने के लिए यही ना फार्मूला है भाई, माध्य का तो होता है एक्स बार, माध्य को सूचित करते हैं, इसका फार्मूला होता है सिग्मा, एक्स आई एफ आई का सिग्मा करना है, आई का वैल्यू 1 से लेकर एन तक, और सिग्मा एफ आई करना है आई का वैल्यू 1 से लेकर एन तक। इसका मतलब ये हुआ कि पहले एक्स आई एफ आई निकाल के उस सिग्मा का माने कि सबको जोड़ लेना है, और एफ आई का वैल्यू निकाल कर उसको भी जोड़ लेना है, क्या समझे। तो आपको क्या करना है, यहाँ तो एफ आई है, एफ आई है, यहाँ एक्स आई है, तो एक्स आई एफ आई को गुना करना, तो 17.5 को 2 से गुना कीजिएगा, तो यहाँ लिखिए 35 आएगा, ठीक है, 35 लिखिए चाहे 35.0 लिखिए, बात बराबर है। वैसे ही 32.5 को 3 से कीजिएगा तो इसका आ जाएगा 97.5, 47.5 को 7 से गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा 332.5, यानी कि गुना कर लेना है, 62.5 को 6 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 375.0, 77 पॉइंट यानी कि इसको इसको गुना करना है, 77.5 को 6 से गुना करेंगे तो 465.0, फिर 92.5 को 6 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 555.0, ठीक है। तो इस तरीके से हमको इतना चीज दिया रहेगा तो प्रत्यक्ष विधि में वर्ग चिन्ह की मदद से हम लोग एक्स आई एफ आई निकाल लेंगे, और उसके बाद काम करेंगे योग, योग निकाल लेंगे। तो योग निकालेंगे किसका किसका योग,
तो वर्ग चिन्ह का योग नहीं निकाला जाता है। देखिए फॉर्मूला में हम लोग पहले पढ़े थे कि एक्स आई एफ आई का सिग्मा, सिग्मा इसको कहते हैं, सिग्मा ऐसा ही लिखा जाता है। तो सिग्मा का मतलब हुआ जोड़, किसका जोड़, एक्स आई एफ आई का जोड़, यानी कि ई वाला का जोड़ना है, सबको जोड़ दीजिए 35, 9, 97 सबको जोड़ के जितना आएगा, और फिर नीचे में भागा करना है एफ आई का जोड़, एफ आई यही ना है, तो 2 और 3 5, 7 5 12, 6 18, 6 24 और 6 30 तो इसको जोड़ लेना है, तो 30 आएगा। और इसको कैसे जोड़ेंगे, तो इसको जोड़ लेना है, इसका जोड़ जो है आपको आएगा 1860.0। तो एक्स आई एफ का, तो यहाँ लिखिएगा, यहाँ सिग्मा एक्स आई एफ आई का वैल्यू कहाँ कितना आया, यहाँ आया इसका वैल्यू कितना, तो 1860, तथा सिग्मा एफ आई का वैल्यू कितना आया, इसका वैल्यू आया 30। तो अब माध्य बराबर, माध्य यानी कि माध्य को एक्स बार कहते हैं, तो एक्स आई एफ आई का सिग्मा, तो एक्स आई एफ आई का सिग्मा कितना आया 1860, और भागा कर देंगे एफ आई के सिग्मा यानी कि 30। तो 10 से 10 और 3 6 18, 3 2 6 यानी कि 62 इसका आंसर आएगा। यही 62 हो गया हम लोगों को माध्य, किस विधि द्वारा दोस्तों, तो ये प्रत्यक्ष विधि द्वारा। तो कुल मिलाकर हम लोग ये क्वेश्चंस को प्रत्यक्ष विधि द्वारा कैसे निकाल